नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आप देख रहे हैं जन की बात, और जन की बात में लगातार हम कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कोरोना के अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। इससे जुड़ी जो भी जानकारी आती है वो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हर खबर सटीक तरीके से पहुँचाना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। कोरोना को लेकर जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि बीते 24 घंटे में 3,68,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 4,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है कोरोना की वजह से। और इसमें अच्छी खबर ये है कि 3,00,000 से ज़्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि जितने केसेस आ रहे हैं उतने ही लोग रिकवर भी हो रहे हैं। लेकिन जो चिंता का विषय है वो ये कि मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बीते 4 दिनों से 4,00,000 से मामले कम तो आए हैं, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो 4,000 से ज़्यादा है। तो ऐसे में जो पूरा फोकस किया जा रहा है वो इसी चीज़ पे किया जा रहा है कि मृत्यु दर को कम किया जाए कैसे भी करके। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नए वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट कहना पूरी तरह से गलत है। ये कोई भारतीय वेरिएंट नहीं है, एक नया वायरस है, भारत में निर्मित नहीं हुआ है, भारत से नहीं आया है, इसलिए इसे भारतीय वेरिएंट कहना गलत है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो, इसलिए क्योंकि उनकी बयानबाजी रोज़ाना बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कल भी हमने चर्चा की थी जन की बात में, और आज भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। अगर बात की जाए तो दिल्ली में अब 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं लगेगी, साफ तौर पर मना कर दिया। उनका कहना है कि हमें जो कंपनी है वो वैक्सीन नहीं दे रही है, इस वजह से हम लोगों को वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे। केंद्र सरकार हमारी नहीं सुन रही है, केंद्र सरकार हमें वैक्सीन प्रोवाइड नहीं करा रही है। हम कंपनी से सीधे बात करते हैं, बायोटेक से, तो बायोटेक ने सीधा इनकार कर दिया है। कुछ इस तरह के लेटर्स कल मनीष सिसोदिया ने भी दिखाए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान के भी कई शहर ऐसे हैं, कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर वैक्सीन अभी रोक दी गई है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास डोजेज नहीं बची हैं। हालांकि जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है, उनका वैक्सीनेशन सही तरीके से चल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि जब इतनी वैक्सीन दिल्ली सरकार को दी गई थी तो आखिर वो वैक्सीन कहाँ है, किन किन को लगी है, कैसे लगी है, पूरा ब्यौरा जो है वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है। जब वैक्सीन का फॉर्मूला सार्वजनिक करने की बात केजरीवाल सरकार करती है तो फिर आंकड़ा क्या है वैक्सीनेशन का वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है, तब चुप्पी क्यों आप सरकार साध लेती है। इसके अलावा दिल्ली में एक अच्छी खबर ये है कि बीते 2 दिन से मामले बेहद कम आ रहे हैं, आज जो मामले हैं वो 12,000 से कम हैं। लेकिन सवाल ये है कि अस्पतालों में जिस तरह की भीड़ देखी जा रही है और शमशान घाटों में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या वाकई आंकड़े कम हुए हैं या सिर्फ आंकड़ों में हेर फेर किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए बात करना ज़रूरी है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि आंकड़े गलत हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें हो रही हैं उसके अनुसार हम ये चीज़ें आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक नया जो चीज़ देखने के लिए मिली है वो ये है कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, हालांकि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी में जो शव बहने की जो एक तस्वीर हमने देखी थी वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बीते 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से ऐसी खबरें आ रही हैं कि गंगा में जो शव हैं वो बहकर आ रहे हैं, या फिर जो लोग हैं वो गंगा के किनारे रेत में ही शवों को दफन कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है और इससे कितना खतरा हो सकता है। हालांकि योगी सरकार इस पर एक्शन ले रही है और प्रशासन पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि कोई भी शव को इस तरह से जल में प्रभावित ना करे, नदियों में प्रभावित ना करे, क्योंकि इससे पानी पूरी तरह से दूषित होगा और इससे संक्रमण की जो एक दर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो प्रशासन ये कर रहा है, चाहे वो बरेली हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराजगंज हो, यहाँ के इलाकों में जो ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो उन्नाव हो, क्योंकि उन्नाव में भी नदी किनारे रेत में कुछ शव दफन पाए गए थे, तो प्रशासन उन शवों को निकालकर खुद अंत्येष्टि कर रहा है क्योंकि लोग डर रहे हैं, लोगों को जगह नहीं मिल रही है। कुछ लोग ऐसे जिनके पास पैसे नहीं है ना इलाज के ना अंतिम संस्कार करने के, तो वो लोग ऐसे करें कि नदी में प्रभावित कर रहे हैं। तो योगी सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अंत्येष्टि सम्मानपूर्वक होनी चाहिए और प्रशासन ऐसा कर रहा है यूपी का, बहुत बेहतर कदम है ये। और योगी सरकार लगातार
कोरोना पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है सोशल मीडिया पर कि आखिर इतने मामले क्यों आ रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने क्यों आ रही हैं। जब कंट्रोल कर लिया गया है मामलों पर, तो ये शव आखिर इतने रोजाना क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि WHO योगी सरकार के जो पूरा एक फॉर्मेट तैयार किया है उसकी तारीफ कर चुका है। WHO ने पिछले साल भी योगी फॉर्मेट की तारीफ की थी, जिस तरह से इतनी बड़ी जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 22 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है, और इस पर इतने अच्छे से कंट्रोल करना वाकई काबिले तारीफ है। इसके अलावा बातें ये भी हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या बातें हो रही हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि केजरीवाल सरकार वैक्सीनेशन को लेकर लगातार आवाज़ उठा रही है, और वैक्सीनेशन उन्होंने बंद कर दिया है 18 से 44 साल को लेकर। ऐसे में सवाल ये है कि अब छोटे बच्चों को लेकर जो ट्रायल है वैक्सीनेशन का, वो जल्द ही शुरू होने वाला है। देखिए, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आप 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो अगर बच्चों पर आप ट्रायल करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आपने ऑर्डर दे दिया है वैक्सीन का कि उन बच्चों के जो वैक्सीन ट्रायल के बाद जो वैक्सीन लगेगी उसका ऑर्डर कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इसकी मात्रा भरपूर होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी जो लोग 18 से 44 साल के बीच है उन्हें ही वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा दिए गए हैं कि यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है, आज यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। इस तरह के तमाम बोर्ड हैं जो सामने आ रहे हैं। सवाल उठता है कि हम, बहुत अच्छी बात है कि बच्चों पर ट्रायल कर रहे हैं, बच्चों को भी वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन जो प्रोसेस चला आ रहा है, पहले 60 साल से ज़्यादा वालों को वैक्सीन लगी, उसके बाद 45 साल से ज़्यादा वालों को वैक्सीन लगी है, उसके बाद फिर 18 से 44 साल वालों को वैक्सीन लग रही है, और इसके बाद बच्चों को लगेगी। तो पहले जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनको तो वैक्सीन पर्याप्त मिल जाए, बच्चों पर आप ट्रायल करते रहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उसके लिए भी महाअभियान शुरू कर दें, उसके बाद बच्चों के लिए भी वैक्सीन भरपूर मात्रा में ना मिल पाए, क्योंकि बायोटेक और सीरम दोनों ही ये कह चुका है कि जितने ऑर्डर हमें मिले थे हम उतने वैक्सीन दे चुके हैं। इस बीच तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उठती हैं कि फार्मूला सार्वजनिक करें, दूसरी कंपनियाँ इसे बनाएं वैक्सीन को। देखिए, अगर इस तरह से आप मांग कर रहे हैं कि फार्मूला सार्वजनिक करें, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद गलत है। आप दिल्ली की जनता को देखिए, दिल्ली की जनता का दर्द समझिए, जिस तरह से रोज लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन ना मिलने से, बेड ना मिलने से समय पर, या प्लाज्मा ना मिलने से वो उनकी जान चली गई है। ऐसे में कई चर्चित लोग भी हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे स्टार्स की जो टीवी में काम कर चुके हैं या वेब सीरीज में काम कर चुके हैं, वो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली में दम तोड़ा है क्योंकि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया। तो आप समझिए और सोचिए कि आखिर क्या हो रहा है, ये क्यों राजनीति लगातार की जा रही है। राजनीति करने से बेहतर है कि केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, पहले बीमारी को देख लीजिए, राजनीति तो बाद में भी हो जाएगी, बहुत मौके मिलेंगे आपको राजनीति करने के। इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं जिस पर आप राजनीति कर सकते हैं, लेकिन कोरोना पर राजनीति करना कहीं ना कहीं गलत नजर आता है। तो ऐसे में सोचिए और समझिए, बोलने से पहले या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आपकी जनता आपके लिए क्या सोच रही है। आपका नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो सारी जनता के पास जा रही हैं। राजनीति करिए, लेकिन उन मुद्दों पर करिए जिन पर जायज़ है। अभी फिलहाल जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार, मिलकर काम करना है शासन प्रशासन को, ताकि इस बीमारी को रोका जा सके, इस चेन को तोड़ा जा सके। मामले कम आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मृत्यु दर बढ़ रही है, इस पर गौर करने वाली बात है, इस पर गौर करना चाहिए। तो जन की बात में आज इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, हाथों को सैनिटाइज करिए, मुंह पर मास्क जरूर लगाइए, 2 गज की दूरी को जरूर बनाइए। कल ईद का त्यौहार है तो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार तो रहें, बेहद खुशी के साथ मनाएं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी जरूर करें।